दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इनपुट आउटपुट का जो सवाल इस बार आईबीपीएस पीओ के मेंस एग्जाम में जो कि 26 नवंबर को हुआ था उसमें पूछा गया था। हम लोग देखेंगे कि इस बार के इनपुट आउटपुट में क्या पैटर्न था, उसमें क्या लॉजिक लग रही थी और वो किस तरीके से सॉल्व हो रहा था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो कि मैंने एग्जाम में अटेम्प्ट किया हुआ था तो मुझे इसका पैटर्न याद था, तो क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया हुआ है। तो ये पैटर्न वही है, लॉजिक वही है, ठीक है, और ये मेमोरी बेस्ड है। तो देखो आप लोग, क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के कारण 200 सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे हो चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और मैं आप लोगों के लिए अच्छे क्वेश्चंस अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने में है, इस बार के इन IBPS PO के मेंस एग्जाम जो कि 26 नवंबर को हुआ था उसमें आया था। देखिए इनपुट आपके सामने में है, इनपुट में क्या बोला जा रहा है कि STQI 11 8 UI BH, फिर 3, फिर GPRS, उसके बाद 7 और फिर BSGF है। ये आपका इनपुट है, ठीक है, इसको 4 स्टेप में सॉल्व किया गया है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा इनपुट दी गई है जिसे हमें सॉल्व करना है, उसके आउटपुट निकालने हैं। तो इनपुट आउटपुट में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग लास्ट स्टेप जो कि इसमें स्टेप 4 है उसे देखते हैं, उसमें देखकर आइडिया लगाते हैं कि क्या किया गया है। देखिए इसमें आप लोग देख रहे हो कि स्टेप 4, देखिए इसमें है ZNGL, फिर WXUL, फिर JSUU, उसके बाद DUIG और फिर 6 21 32 55 है। तो इसमें आप लोग क्या देख रहे हो कि सारे अल्फ़ाबेट्स एक जगह हैं और सारे नंबर्स एक जगह हैं, ठीक है। और अल्फ़ाबेट किस तरीके से हैं देख लो, पहले जेड है, फिर डब्ल्यू है, फिर जे है, फिर डी है, मतलब अल्फ़ाबेट जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। और नंबर्स की अगर बात करें तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। लेकिन आप लोग यह भी देख लो, इनपुट से स्टेप 4 और इनपुट में कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, सारे अल्फ़ाबेट्स भी चेंज हैं और सारे नंबर्स भी चेंज हैं, ठीक है। तो वो किस तरीके से हुआ है, अब हमें ये पता करना है कि अल्फ़ाबेट्स किस तरीके से चेंज हो गए और जो नंबर्स हैं वो किस तरीके से चेंज हो गए हैं। तो देखिए वो देखने के लिए हमें सबसे पहले स्टेप 1 देखना पड़ेगा। स्टेप 1 में आप देख लो कि DUIG है, फिर STQI है, ठीक है, उसके बाद 11 8 UI BH, GPRS 7 और फिर 6 है। तो इसमें आप इनपुट पे देखो और स्टेप 1 पे देखो कि कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स इनपुट में भी हैं और स्टेप 1 में भी हैं, और कौन सा ऐसा अल्फ़ाबेट है जो इनपुट में तो है लेकिन स्टेप 1 में नहीं है। फिर उस पर हम लोग ये सोचेंगे कि आखिर उसमें ऐसा क्या लॉजिक यूज हुआ है। तो देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं DUIG, DUIG पे आते हैं, स्टेप 1 में है, क्या वो इनपुट में है कहीं भी? नहीं है। आप देख सकते हो कि स्टेप 1 में जो पहला अल्फ़ाबेट यूज हुआ है, DUIG पहला वर्ड है, वो हमारे इनपुट में कहीं भी नहीं है, ठीक। उसके बाद आते हैं STQI, हाँ वो इनपुट में भी है, 11 भी इनपुट में है, 8 भी इनपुट में है, UIBH भी इनपुट में है, GPRS भी इनपुट में है, 7 भी इनपुट में है और 6 हमारा इनपुट में कहीं भी नहीं है। तो आप क्या देख रहे हो कि ऐसा इनपुट में BSGF है, BSGF हमारे स्टेप 1 में नहीं है, और इनपुट में जो 3 है वो 3 भी हमारे स्टेप 1 में नहीं है, ठीक है। मैं समझाता हूँ, देखिए BSGF ये इनपुट में तो है लेकिन आउटपुट में नहीं है, ठीक है। उसके बाद 3 इनपुट में तो है लेकिन आउटपुट में नहीं है, ठीक है। और स्टेप 1 में ऐसा कौन सा था? DUIG स्टेप 1 में था, ठीक है, इनपुट में नहीं था। और नंबर्स की बात करें तो उसमें 6 था, 6 इनपुट में नहीं है लेकिन स्टेप 1 में है। तो जाहिर सी बात है BSGF में ऐसी कोई लॉजिक लगाए होंगे तो ये आया होगा, इसमें कुछ लगाए होंगे लॉजिक तो ये आया होगा। तो आखिर ऐसा हम लोगों ने क्या किया, देखो ध्यान से हम लोग देखते हैं एक बार। BCD दो अल्फ़ाबेट आगे बढ़ते हैं, BCD आ रहा है, STU आ रहा है, दो अल्फ़ाबेट आगे बढ़ेंगे, STU, GHI दो अल्फ़ाबेट आगे बढ़े, I आ गया, F,
जी नहीं, इसमें जस्ट नेक्स्ट अल्फाबेट यूज हुआ है, ठीक है, एफ के बाद जस्ट जी आ रहा है, यानी कि इसमें जस्ट नेक्स्ट अल्फाबेट और जी, ठीक। और यहाँ पे क्या हो रहा है, थ्री टू जा सिक्स दो के मल्टीपल में है, थ्री टू जा सिक्स है दो के मल्टीपल में, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से ये लॉजिक यूज हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देख रहे हैं स्टेप टू, ठीक है। स्टेप टू में भी हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे दो के गैप में था और यह लास्ट वाला हमारा एक के गैप में था, तो क्या सभी स्टेप में यही चीज़ फॉलो हो रही है या कुछ चेंज है, ये हम लोग देखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, ताकि हम मिस्टेक ना कर बैठें। तो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे हम लोग, स्टेप टू की बात करते हैं हम लोग, स्टेप टू, ठीक है। स्टेप टू में भी क्या यही हो रहा है, देख लो, यहाँ पे तो बी हमारा डी में आ गया है, ठीक है, बी एस जी एफ डी यू आई जी में आ गया है, ठीक है। उसके बाद स्टेप टू में देख लेते हैं, देखिए डी यू आई जी आगे शिफ्ट हो गया है, ठीक है, और उससे पहले जे यू जे एस यू यू आ गया है, यानी कि बाकी के बाद में जो भी अल्फाबेट्स हैं वो तो सेम है, लेकिन डी यू आई जी हमारा आगे शिफ्ट हुआ है और जे एस यू यू हमारा उससे पहले आ गया है। और जे एस यू यू किससे बना है वो स्टेप वन में देखेंगे, ऐसा क्या है जो स्टेप टू में नहीं है। आप देख लो कि जी पी आर एस जो है वो हमारे स्टेप टू में कहीं भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि जी पी आर एस जो है वो हमारा जे एस यू यू बना है, ठीक है। अब दो के दो आगे बढ़े थे तो यहाँ भी दो आगे बढ़ेंगे, एच आई ना, यहाँ पे तो जे है, यहाँ पे आना तो चाहिए इस लॉजिक से आई, लेकिन नहीं आया है, यहाँ पे आ गया है जे, ठीक है। तो कितना आगे बढ़ा है, आई एच आई जे तीन आगे बढ़ गया है, ये भी क्यू आर एस ये भी तीन आगे बढ़ा है, आर है तो एस टी यू ये भी तीन आगे बढ़ा है, और ये एस ये तो हमारा यहाँ पे देखिए जस्ट नेक्स्ट आ रहा है एक के बाद, तो उस तरह से एस के बाद टी आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है एस टी यू दो के गैप में। तो इस तरीके से आप देखो, यहाँ पे हमारा दो था, यहाँ पे हमारा तीन हो गया, यहाँ पे हमारा एक था, यहाँ पे हमारा दो हो गया, यहाँ भी ये दो था तो ये उससे एक कम, एक माइनस था, एक एक ही कम है, यहाँ पे ये तीन है, ठीक है, इससे ठीक एक कम यहाँ पे दो है, ठीक है, एस टी क्यू आई, ठीक है, एस टी क्यू आई को हम लोग लेते हैं। तो एस टी क्यू आई देखिए यहाँ पे हमारा ये पहले का सारा जो लेटर है अल्फ़ाबेट है वो तीन पे आगे बढ़ रहा है और लास्ट वाला बस दो पे आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे पहले वाला दो पे आगे बढ़ रहा है और लास्ट वाला एक पे आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से यहाँ पे तीन किए थे तो यहाँ पे हम लोग चार पे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा चार पे आएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा एस टी यू वी डब्ल्यू यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा टी है तो यू वी डब्ल्यू एक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्यू है आर एस टी यू हो जाएगा। अब देखिए अब लास्ट वाले पे देखते हैं, लास्ट वाले में क्या था कि यहाँ पे जो भी रहेगा उससे ठीक है कम होगा, तो यहाँ पे ये तीन के डिफरेंस पे आएगा, ठीक है, जे के एल यहाँ पे हमारा एल आ जाएगा, ठीक है। अब स्टेप लास्ट स्टेप में क्या होगा, अब जो भी एक अल्फाबेट बच जाता है वो हमारा लास्ट स्टेप में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये डब्ल्यू एक्स यू एल है जो कि स्टेप थ्री में हमारा सबसे पहला है, उसके बाद जे एस यू यू शिफ्ट हो गया, फिर डी यू आई जी भी शिफ्ट हो गया, अब कौन सा एक बचा है, यू आई बी एच। नंबर्स को हम लोग थोड़े बाद में देख लेंगे, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब लास्ट स्टेप बचता है, तो ऐसा क्या है, स्टेप थ्री में जो बच रहा था हमारा यू आई बी एच बच रहा था, ठीक है, यू आई बी एच जो इस तरीके से चेंज होगा वो हमारा स्टेप फोर में सबसे पहले आएगा, क्योंकि हम लोग जो सबसे पहले ला रहे हैं चेंज करके, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में चेंज करते जा रहे हैं, और जो भी चेंज करके ला रहे हैं वो सबसे पहले ला रहे हैं, उसके बाद बाकी चीज़ों को शिफ्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो यू आई बी एच आ गया, ठीक है, यू आई बी एच किया जाएगा, पहले हम लोगों ने चार के बाद जो चौथा लेटर था उसे ले रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग जो पाँचवा लेटर रहेगा उसे लेंगे, ठीक है, आप लोग देख लो, दूसरे लेटर को लिए थे, फिर तीसरे लेटर को लिए, चौथे लेटर को लिए, ठीक है, और अब हम पांचवें लेटर को लेंगे, ठीक है, पांचवें लेटर को कैसे लेंगे, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है,
उसके बाद आई है, तो आई के बाद जे के एल एम एन, ठीक है, एन आ जाए, जे के एल एम एन आ जाएगा। बी है, बी के बाद सी डी ई एफ जी आ जाएगा। एच है, आई जे के एल एम आ जाएगा, ओ सॉरी आई है, एच है, तो एच में हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे ठीक एक कम कर रहे हैं, चार, यहाँ पे चार आएगा, ठीक है, तो आई आई जे के एल, यहाँ पे एल आ जाएगा, तो जेड एन जी एल, क्या जेड एन जी एल हमारा लास्ट स्टेप में सबसे पहले है? हाँ बिल्कुल है। तो इस तरीके से अल्फ़ाबेट किस तरीके से चेंज हो रहा है वो हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब आते हैं नंबर्स पे, नंबर्स पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था, ये सिक्स है, थ्री टू जा सिक्स हो रहा है, ठीक। उसके बाद अब देख लो यहाँ पे स्टेप टू में, स्टेप टू में देखिए सिक्स जो हमारा स्टेप वन में चेंज हो गया था वो स्टेप टू में शिफ्ट हो गया पहले, उसके बाद आ गया 21, ठीक है। और सिक्स से पहले स्टेप वन में सेवन तो था जो कि हमारे स्टेप टू में कहीं भी नहीं है, बाकी सारे नंबर्स तो हैं लेकिन एक सेवन नहीं है, और सेवन की जगह पे क्या आ गया है, 21 आ गया है, यानी कि सेवन थ्री जा 21, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेवन था जो कि अब 21 में आ गया है, तो सेवन थ्री जा 21, ठीक है। अब उसी तरह से देख लेते हैं स्टेप थ्री में, लास्ट में 32 है, देखिए बाकी सिक्स भी शिफ्ट हो गया है, 21 भी शिफ्ट होके पहले आ गया और 32 लास्ट में चले गया है, ठीक है। तो 32 लास्ट में चले गया है, और कौन सा एक नंबर स्टेप टू में था लेकिन थ्री में नहीं है, वो एट है, ठीक है। एट स्टेप टू में था लेकिन थ्री में नहीं है, उसकी जगह पे क्या आया, 32 आया। कितने का मल्टीपल है, फोर का मल्टीपल है, ठीक है। देख लो यहाँ पे टू, यहाँ भी टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ भी थ्री, यहाँ पे फोर, यहाँ भी फोर, अब समझ में आ रहा है, यहाँ पे फाइव है तो यहाँ पे क्या होगा, फाइव ही होगा, ठीक है। लास्ट में हमारा स्टेप फोर देख लो, लास्ट में क्या आ रहा है, 55, ठीक है। तो जाहिर सी बात है स्टेप थ्री में 11 है जो स्टेप फोर में नहीं है, ठीक है, 11 जो कि स्टेप फोर थ्री में है लेकिन स्टेप फाइव में वो बन चुका है 55, तो कितने का मल्टीपल, फाइव का मल्टीपल। तो आप लोगों ने ये तो समझ लिया कि किस तरीके से हमारा ये इनपुट चेंज हुआ है आउटपुट में, और हमें जिस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने किया उसी तरीके से जो इनपुट दी गई है उसका आउटपुट हम लोग निकालेंगे, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले इसे समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसे हम लोग समझते हैं एक बार। देखिए इनपुट में जो हमारा था वो हमारा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पे चल रहा है, स्टेप वन में आया वो चेंज हुआ अल्फ़ाबेट, फिर स्टेप टू में वो जो स्टेप वन में सबसे पहले था वो आगे शिफ्ट हो गया, और जस्ट नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वो स्टेप टू में पहले आ गया, फिर थ्री में वो शिफ्ट हो गया, उसके बाद जो अल्फ़ाबेट था वो पहले आ गया चेंज होते हुए। तो इस तरीके से जो स्टेप फोर हमारा बनता है वो अल्फ़ाबेटिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाता है, और अल्फ़ाबेटिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लाने के लिए सबसे पहले स्टेप वन से अगर स्टार्ट करेंगे तो जो पहला अल्फ़ाबेट है वो पहले आएगा, उसके बाद वाला अल्फ़ाबेट है वो पहले आएगा, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर सेट हो जाएगा हमारा। उसके बाद नंबर्स की अगर बात करें तो नंबर्स भी पहले टू के मल्टीपल में आया है, फिर थ्री के मल्टीपल में, फिर फोर के मल्टीपल में, और लास्ट में फाइव के मल्टीपल में आया है, और जो भी पहले हम लोग ला रहे हैं वो शिफ्ट होके पीछे जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये तो समझ गए हैं कि क्या लॉजिक और क्या पैटर्न सेट की गई है इनपुट में। तो चलिए इसी को देखते हुए हम लोग अब अपना नेक्स्ट जो इनपुट दिया गया है उसे सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख कर रखा हुआ है इनपुट, और अभी हम इसका आउटपुट निकालेंगे और देखेंगे कि कितने स्टेप में ये आउटपुट कंप्लीट होता है। तो दोस्तों दोस्तों मेरी वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाती है, ताकि मैं क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी भी डाउट नहीं रहे कि किस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। कुछ लोग होंगे जो काफ़ी जल्दी समझ जा रहे होंगे तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कि समझने में थोड़ी दिक्कत हो, तो आप पूरा वीडियो देखो, ठीक है, ताकि आपको एक भी डाउट ना रहे मन में। तो इसी कारण से मैं नहीं चाहता हूँ कि यार किसी को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो समझने में, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है, समझाने में थोड़ा टाइम। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इनपुट लिख कर रखा हुआ है, अब उसका हम लोग स्टेप वन स्टेप टू निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे किस तरीके से हम लोगों ने लॉजिक पकड़ी थी, लॉजिक क्या थी वो आप लोग समझ गए होंगे, पैटर्न क्या था, उम्मीद करता हूँ। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे,
यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इनपुट क्या था। ये हमारा इनपुट है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें उसको लास्ट स्टेप जो हमारा है वो अल्फ़ाबेटिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन उसको हम लोगों को ले कैसे जाना है। सबसे पहले जो पहला अल्फ़ाबेट है उसे हम पहले लिखेंगे, उसके बाद वाले अल्फ़ाबेट को नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे और शिफ्ट करते जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे अभी करेंगे, ठीक है। इसमें आप लोग देख रहे हो, इसमें सब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सबसे पहले सी आता है, ठीक है। तो सी को हम लोग पहले लिखेंगे पहले स्टेप में, उसके बाद सी के बाद एच आएगा, ठीक है, और सी शिफ्ट हो जाएगा आगे, एच पहले आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी नए वर्ड को हम लोग लाएंगे स्टेप में वो सबसे पहले लाएंगे, उसके बाद उसको शिफ्ट कर देंगे, और साथ ही साथ नंबर्स को भी लेकर चलेंगे। नंबर्स भी हमारा पहले टू के मल्टीपल में जाएगा, फिर थ्री के मल्टीपल में जाएगा, फिर फोर के, और लास्ट में फाइव के, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। और नंबर भी सबसे लास्ट में नंबर, देखिए सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट लिखेंगे और बाकी को शिफ्ट कर देंगे, उसी तरह से लास्ट में हम लोग सबसे पहले नंबर लिखेंगे, सबसे लास्ट में नंबर लिखेंगे, उसके बाकी के शिफ्ट कर देंगे। इसी तरीके से दोनों को साथ में लेकर चलना है, ठीक है। एक ही स्टेप में पहले अल्फ़ाबेट भी लिखेंगे और लास्ट में नंबर भी लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें सी के साथ करना था, तो सी के साथ हम लोगों ने सबसे पहले वहाँ पे क्या किया था आप लोगों को याद होगा, तो क्वेश्चन इनपुट भी आपकी स्क्रीन पे है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले हम लोगों ने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिया था, और सबसे पहले क्या किया था कि दो के डिफरेंस में अल्फ़ाबेट्स को आगे बढ़ाया था, दो आगे गया, ठीक है। लेकिन लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट था वो एक में आगे गया था, जस्ट नेक्स्ट वाला आ गया था, ठीक है। क्वेश्चन में एक बार देख लो आप लोग, बी था तो सी डी आ गया, और लास्ट वाला एफ के बाद जस्ट इधर नेक्स्ट जी आ गया। तो वही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, तो हाथ पे आप लोग गिन सकते हो, ठीक है। हमें क्या करना है कि दूसरा लेना है, मैं आपको बता देता हूँ। सी है तो डी ई आ जाएगा, डी लिया हम, डी लिया हमने, फिर ई लिया, ठीक है। उसी तरीके से हाथ पे आप लोग कर सकते हो, तो किस तरह से करना है, सी था तो डी ई आ गया, ई है एफ जी आ जाएगा, जी है तो एच आई आ जाएगा, अब लास्ट वाला डी है वो क्या होगा, जस्ट नेक्स्ट वाला आएगा, डी ई आ गया, ठीक है दोस्तों। अब जो सबसे छोटा नंबर होगा उसे हम लोग लेंगे सबसे लास्ट में, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये फोर है, इसे हम लोगों ने यूज कर लिया, अब इसे यूज करेंगे, ठीक है। तो बाकी को नंबर्स को तो सबसे लास्ट में लेना है, इसलिए बाकी जैसे हैं उसे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो जो बचा है एच ए आई एस 12 5 एम के एल डी, उसके बाद फोर तो लास्ट में ले जाएंगे, के एल ओ डी 9 सी ई जी डी को हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, फोर बचता है, तो फोर कैसे आ जाएगा, सबसे पहले दो के मल्टीपल में जाएगा। आप लोग क्वेश्चन में भी देख सकते हो कि क्वेश्चन में थ्री था इनपुट में, जो कि यहाँ पे सिक्स हो गया, दो में जाएगा, ठीक है। तो चार से यहाँ पे आठ हो जाएगा। अब हम आते हैं स्टेप टू में, सी के बाद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट एच आएगा, ठीक है, और नंबर में चार के बाद उससे बड़ा कौन है, 9 5 12 में फाइव है, तो ये फाइव आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग एच को यूज करेंगे, ठीक, और सबसे पहले लाएंगे, जो भी यूज करने वाले हैं वो हमारा पहले आएगा, और ये जो है वो शिफ्ट हो जाएगा आगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो लिया था, तो एच में हम लोगों ने तीसरा लेटर लेंगे, तीसरा लेटर, ठीक है, एच है आई जे के, तीसरा लेटर, ठीक है, आई जे के आ जाएगा, ए ए है तो तीसरा लेटर कौन होगा, बी सी डी, आई है तो तीसरा लेटर जे के एल, ठीक है, और एस है तो इसमें हम लोगों ने जस्ट नेक्स्ट लिया था, तो इसमें हम लोग दूसरा वाला लेंगे, एस है तो टी यू, ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा। अब ये ई जी आई ई आगे शिफ्ट हो जाएगा, ई जी आई ई, अब बाकी सबको लिख देंगे हम लोग आगे शिफ्ट करके, बस यहाँ पे फाइव को लास्ट में ले जाएंगे, ठीक है। एच ए आई एस तो यूज कर लिया है, अब बचा 12, फाइव को लास्ट में लिखना है, एम K
KLB, ठीक है, उसके बाद KLOD, ठीक है, 9, 8 शिफ्ट हो जाएगा और 5 जो है वो आगे हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 2 जा 8 था, अब यहाँ पे 5 तीन के मल्टीपल में आएगा, ठीक है, तीन के मल्टीपल में क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं स्टेप 3 पे, ठीक है दोस्तों, स्टेप 3 पे आएंगे तो आप लोग यहाँ पे देखो कि कौन सा यूज होगा, एम और के में पहले कौन आता है, के आता है, ठीक है, तो के को हम लोग पहले यूज करेंगे, उसके बाद लास्ट में एम को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने तीसरा लेटर यूज किया था, अब यहाँ पे हम लोग चौथे लेटर को यूज करेंगे, ठीक है, जो के है तो के के बाद चौथा लेटर कौन होगा, के बाद का चौथा लेटर, ठीक है, एल एम एन ओ, ओ हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने ओ लिखा, एल है, एल के बाद चौथा लेटर, एल के बाद का चौथा लेटर, एल से नहीं लेना है, एल के बाद का, एल है तो एम एन ओ पी, ओ है तो ओ के बाद का चौथा लेटर ओ, पी क्यू आर एस, ठीक है। अब डी है, डी के बाद यहाँ तक इसका हम लोगों ने चौथा लेटर लिया था तो इसका हम लोग तीसरा लेटर लेंगे, ठीक है, आपको जैसे बताया था कि ये बाकी पहले के सारे जितने भी डिफरेंस में यूज हो रहे हैं तो लास्ट वाला उससे ठीक एक कम होगा, ठीक है, तो डी का तीसरा लेटर लेंगे, ई एफ जी, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब बाकी को हम लोग आगे शिफ्ट कर देंगे, जैसे के यहाँ पे था तो अब यहाँ पे आगे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, के डी एल यू, अब ये आ जाएगा, ई जी आई ई, अब क्या आएगा, अब के को तो हम लोगों ने यहाँ वाला यूज कर लिया है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 12 भी है लेकिन हमें कौन सा नंबर यूज करना है, 4 यूज कर लिया, 5 यूज कर लिया, अब 9 और 12 में सबसे पहले 9 आता है तो अब 9 यूज करेंगे, ठीक है, तो 12 है तो 12 लिख देंगे, एम को लिखेंगे, एम के एल डी, अब के एल ओ डी तो यूज कर चुके, ठीक है, 9 को हमें अभी यूज करना है तो 9 अभी नहीं लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, देखिए 15 हमारा कैसे आया था, 5 का मल्टीपल 3 मल्टीपल है, 5 3 जा 15, तो अब 9 जो है, 9 का हम लोग चौथा मल्टीपल लेंगे, फोर्थ मल्टीपल लेंगे, ठीक है, तो 9 4 जा 36 होता है, तो यहाँ पे हमारा 36 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आते हैं फोर्थ स्टेप पे, ठीक है, फोर्थ स्टेप पे आते हैं, ठीक है, और फोर्थ स्टेप पे आने के लिए हम लोग पहले यहाँ देख लेंगे कि हम लोगों ने सब यूज कर लिया है, 9 को भी कर लिया, अब हमारे सिर्फ एम के एल डी बचा है और 12 बचा है, ठीक है। अब एम के एल डी को हम लोग यूज करेंगे, तो एम के एल डी को कैसे यूज करेंगे, यहाँ से आप लोग देख लो, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने जो लिया था वो जो के था तो के चौथे अल्फ़ाबेट को लिया था, के बाद चौथे अल्फ़ाबेट को, तो अभी एम के बाद के पांचवे अल्फ़ाबेट को यूज करेंगे, ठीक है, एम के बाद का पांचवा अल्फ़ाबेट कौन होगा, एन ओ पी क्यू आर, ठीक है, तो आर आएगा, के बाद पांचवा अल्फ़ाबेट एल एम एन ओ पी, पी होगा, एल के बाद का पांचवा अल्फ़ाबेट एम एन ओ पी क्यू, क्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोगों ने 5 अल्फ़ाबेट यूज किया, पांचवा अल्फ़ाबेट लिया, इसमें ठीक एक कम लेंगे, यानी कि डी के बाद का चौथा अल्फ़ाबेट ले लेंगे, ठीक है, तो डी है तो डी के बाद का चौथा अल्फ़ाबेट क्या होगा, ई एफ जी एच, एच हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बाकी को हम लोग शिफ्ट करके लिख देंगे, अब लास्ट में हमें 12 को यूज करना है तो 12 अभी नहीं लिखेंगे, वो लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, तो लिख दो, अब ये जैसे है वैसे हम लोग इसको लिख देंगे, ओ पी एस जी के डी एल यू ई जी आई ई, ठीक है, 12 नहीं लिखना है, ठीक है,
एम के एल डी यूज कर लिए हैं हम लोग अभी, तो अब हमारा आठ एट लिखेंगे एट, ठीक है, फिफ्टीन, ठीक है, 36, ठीक है, अब 12। तो यहाँ पे हमारा 36 कैसे आया था, ये 9 का फोर्थ मल्टीपल था, तो अब हम 12 का फिफ्थ मल्टीपल लेंगे। तो 12 5 जा क्या होता है, 60 होता है, 60। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस के चारों जो स्टेप हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। चौथा स्टेप हमारा लास्ट स्टेप होगा, क्योंकि अब कुछ भी चेंज करने के लिए बचा नहीं है। अब आप लोग देख लो, अब आप इसमें देखो, एक बार आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्वेश्चन वाला जो इनपुट और स्टेप है वो आप स्टेप फोर देखो कि उसमें वो जो अल्फ़ाबेट हैं वो अल्फ़ाबेटिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में गए हैं और नंबर्स जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में गया है। हम यहाँ पे भी चेक कर लेंगे, यहाँ पे भी हमारा अल्फ़ाबेट जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, पहले आर ओ के ई, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और नंबर्स आप देख लो, नंबर्स हमारा 8 15 36 60, नंबर्स हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस इनपुट आउटपुट को सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, मैं हमेशा आपके लिए अच्छे वीडियोस, अच्छे क्वेश्चंस लाता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।